हेलो स्टूडेंट ये हमारी क्लास नंबर टेन पॉलीमर ठीक है इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्कनाइजेशन ऑफ रबड़ वर्कनाइजेशन ऑफ रबड़ का क्या मीनिंग है ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं वलकनाइजेशन ऑफ रबड़ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास नेचुरल रबड़ होती है ठीक है वो घटिया क्वालिटी की होती है घटिया क्वालिटी मींस अगर हम उसको खींचते हैं तो वो टूट जाती है ठीक है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है वो इस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है मीन्स यूजलेस थर्ड इट बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर अगर तुम उसको ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो क्यों जाएगी सॉफ्ट यूजलेस रहेगी ठीक है एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर ठीक है दोबारा तो से देखिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास नेचुरल रबड़ होती है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते कैन नॉट बी यूजड एज सच बिकॉज और क्यों नहीं कर सकते दीज आर द थ्री रीजन वन टू थ्री ठीक है उसके बाद अब होगा क्या अब इस नेचुरल इस नेचुरल रबड़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से ऐड करा देंगे उसमें सल्फर ठीक है उसमें क्या ऐड करा देंगे सल्फ़र इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस लिमिटेशन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फ़र एंड प्रॉपर्टीज इंप्रूव दिस इज़ कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर सो सिंपल हमने क्या किया कि जो हमारे पास नेचुरल रबर थी उसके अंदर हमने क्या डाल दिया सल्फर ठीक है और सल्फर की भी कुछ क्वांटिटी ऐड होगी जैसे अगर हम 5% सल्फर डालते हैं ठीक है जब जो चीज़ बनके तैयार होगी उसका यूज़ होगा टायर रबर मेकिंग टा रबर के लिए अगर हम थर्टी परसेंट सल्फर डालते हैं उसका यूज होगा बैटरी केस रबर के लिए ठीक है तो यहां पे जरा चेक कीजिए होगा क्या कि जो हमारे पास नेचुरल रबर है वो खींचने से टूट जाती है वो खींचने से क्या हो जाती है टूट जाती है अब हमने क्या किया उसके अंदर डाल दी सल्फर ठीक है और उसको क्या कर दिया हीट कर दिया अब ये सल्फर क्या करेगी कि जो हमारे पास लीनियर चेन थी ठीक है उसके बीच में क्या करेगी ये इंटरक्लोज इंटर क्रॉस लिंकेज बनाना स्टार्ट कर देगी जिससे नेचुरल रबड़ की जो क्वालिटी वो क्यों हो जाएगी इम्प्रूव उसकी बोन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जिससे हम इसको यूज़ में ला सकते हैं इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं वलकनाइजेशन ऑफ रबड़ दोबारा से देखिए वल्किनाइजेशन ऑफ रबड़ का मीनिंग क्या होता है कि जो नेचुरल रबड़ होती है वो घटिया क्वालिटी की होती है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते ठीक है दीज आर द थ्री रीजन अब होगा क्या हम उसके अंदर क्या डाल देंगे सल्फर ठीक है सल्फ़र की कुछ परसेंटेज डाल लेंगे जर्नली जो बुक्स में लिख होता है टू टू थ्री या फिर समटाइम फाइव परसेंट सल्फर यूज़ कर सकते हैं ठीक है जिससे नेचुरल रबड़ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी अगर हम फाइव परसेंट डालते हैं तो जो बन के तैयार होगी हमारे पास वल्कनाइज रबर उसका यूज़ यहाँ पे होगा टायर मेकिंग रबर अगर थर्टी परसेंट सल्फर डालते हैं उसका यूज़ होगा हमारे पास बैटरी केस रबर ठीक है दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वलकनाइजेशन ऑफ रबर आइए एक बार रिपीट कर कर लेते हैं

थर्टी परसेंट ऑफ सल्फर दिस यूज ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट में हम ये शो करके आएंगे एग्जाम में अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट कंटेंट उठाते हैं यहाँ पे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रबर रबर हमारे पास दो टाइप की होती है एक तो होती है हमारे पास नेचुरल जो नेचर से गेटअप होगी एक होगी सिंथेटिक जो मैनमेड होगी ठीक है अब पेपर में पूछा जाता है नेचुरल रबड़ का एग्जाम्पल दीजिए तो आंसर देंगे आइसोप्रीन लेकिन आइसोप्रीन में भी उसकी सिस फोम किसके अंदर जाएगी नेचुरल रबड़ वेरी इंपॉर्टेंट दोबारा से देखिए नेचुरल रबड़ का बेस्ट एग्जाम्पल है आइसोप्रीन आइसोप्रीन की भी कौन सी फॉर्म जाएगी सिस फॉर्म ठीक है सिस फॉर्म क्या होती है जब सेम ग्रुप कहाँ पे हो सेम साइड उसको बोलते हैं सिस फॉर्म नेक्स्ट सिंथेटिक रबर सिंथेटिक रबर जो मैनमेड होती है इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है क्लोरोप्रीन क्लोरोप्रीन इसका दूसरा नाम क्या है नियोप्रीन और सेकंड सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास बूना एन ये बूना एन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है आप जरा रिएक्शन देखिए ठीक है फर्स्ट उठाते हैं रिएक्शन वन फर्स्ट रिएक्शन उठाते हैं आइसोप्रीन आइसो प्रीन अब यहाँ पे देखिए इसकी रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे अब आइसोप्रीन है, है हमारे पास अब आइसोप्रीन जरा ध्यान से देखना ठीक है अब यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट लेके चलेंगे वो देखो अब यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इसको करेंगे हम एन टाइम ठीक है इसका नाम क्या है हमारे पास आइसो प्रिम इसका भी पीसी नेमी भी कर सकते हो ठीक है वन टू तो, थ्री फोर थ्री पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है मिथ इथ प्रोप ब्यूट ब्यूट वन व, व, वन थ्री डाई इन ठीक है वट सो उसके बाद अब हम क्या करेंगे इसकी पोलीमराइजेशन अब हमने क्या की इसकी पोलीमराइजेशन अब यहाँ पे देखना डबल बॉन्ड टूट के आगे शिफ्ट होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के आगे शिफ्ट होगा लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी इस कार्बन की वैलेंसी और इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी थ्री तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड तो नाउ यू चेक सी एच टू सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू एंड सो ऑन और एक लंबी चेन एंड टाइम अब ये जो बनके तैयार हुई ये हमारे पास क्या है जैकेट नेचुरल रबर नेचुरल रबर लेकिन ध्यान रहे इसकी सिस फॉर्म इसकी क्या रहेगी सिस फॉम अब सिस फॉम डिस्कस कर लेते हैं सिस फॉम देखो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रा करना चाहूँ तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है सिस फॉम में ये जरा चेक कीजिए इंपॉर्टेंट है ये सी डबल बॉन्ड सी चेक कीजिए सी डबल बॉन्ड सी अब हम क्या करेंगे ये सी एच थ्री ग्रुप में यहाँ लगा सकता हूँ सी एच थ्री अब ये यहाँ पर जाएगा सी एच टू ये जुड़ने के लिए आगे तैयार है ठीक है अभी सिमिलरली पैटर्न से देखना यहाँ पे अब इसके पास क्या है हमारा एच तो ये क्या जाएगा एच यहाँ पे जाएगा अब यहाँ पे क्या जाएगा सी एच टू ये आगे जुड़ने के लिए तैयार है नाउ यू कैन सी देखो ये ग्रुप एंड ये ग्रुप सेम साइड इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे सिस इस फॉर्म को क्या बोलेंगे सिस ठीक है बोल सकते हैं सिस पोली आई सिस पोली आई ठीक है दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ठीक है सेम ग्रुप सेम साइड सिस अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते इसको यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर देते इसको ऊपर और इसको नीचे देन कौन सी फॉर्म होती है हमारी ट्रांस अगर हम इसको रिवर्स कर देते और ट्रांसफॉर्म किस में जाती है नॉट नेचुरल हो जाती है आर्टिफिशियल में ठीक है तो ये ध्यान रहे सिस जाएगी हमारी जो सिस फॉर्म जाएगी वो हमारी नेचुरल में अगर हम इसको अपोजिट कर देते तो वो जाती है हमारी सिंथेटिक में ठीक है दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोप्रीन अब इस सिमिलर पैटर्न से अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिमिलर पैटर्न से सिमिलर पैटर्न से हमारा जो नेक्स्ट है नेक्स्ट कंटेंट है हमारा सिमिलर पैटर्न से वो जरा चेक कीजिए सिंथेटिक रबर जिसका एग्जाम्पल है हमारे हमारा, हमारा न्यूप्रीन ठीक है अब न्योप्रीन की क्वेश्चन जरा देखना ध्यान से बिल्कुल सिंपल है जैसे हमने लास्ट में की क्लोरोप्रीन ठीक है सॉरी uh, क्लोरोप्रीन नहीं आइसोप्रीन ठीक है सेम इसी पैटर्न से रहेगी हमारा न्यू तो यहां पे देखना सी एच टू डबल्ड सी वहां पे सी एल सी एच थ्री था यहां पे हमने लगाना है सी एल ठीक है एन टाइम ठीक है दिस वन इज द क्लोरो दिस वन इज द इज कॉमन नेम ठीक है आप इसे नेमिंग कर सकते हो वन टू टू क्लोरो वन टू थ्री फोर फोर के लिए क्या लगता है ब्यूट वन वन थ्री डाई इन ठीक है तो यहाँ पे चेक कीजिए इसकी हमने करा दी क्या पोलीमराइजेशन पोलीमराइजेशन सिमिलरली पैटर्न से बॉन्ड टूट के आगे जाएगा ये आगे जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा बीच में डबल बॉन्ड नाउ यू चेक सी एच टू सी एल डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू एंड एन टाइम ठीक है ये हुआ है हमारा एन टाइम ठीक है ये जो बन के तैयार हुआ इसको बोलेंगे हम नियोप्रीन नियो प्रिंट चाहे बनो चाहे ट्रांस रहेगी हमारा किसमें सिंथेटिक में ठीक है दिस वन इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है नाउ यू सी इक्वेशन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्लास्टिक सीजर के होते हैं इसका एग्जाम्पल दीजिए अब यहाँ पे देखना प्लास्टिक सीजर के होता है कि कुछ प्लास्टिक हमारे पास क्यों होती है सॉफ्ट एंड कंसीडरेबली ऑन हीटिंग आर मेड सॉफ्ट एंड रेडली वर्केबल बाई एडिशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड प्लास्टिक सीजर एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका क्रिसोल एंड डाइलकाइल थैलेट यहाँ पर समझिए तो यहाँ पे देखिए कुछ प्लास्टिक सॉफ्ट नहीं होती ठीक है।, है अगर हम उनको हीट करना चाहें ठीक है अब दोबारा से देखिए कुछ प्लास्टिक में ये प्रॉब्लम होती है ठीक है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हमने हमने उनको क्या करना पड़ेगा हीट करना पड़ेगा उनको क्या बनाना कर, करना पड़ेगा उनको सॉफ्ट सॉफ़्ट करने के बाद हम अपने मन मुताबिक उसको शेप दे सकते हैं कुछ प्लास्टिक हमारे पास सॉफ्ट नहीं होती अगर हम उनको हीट करना चाहें क्योंकि जब प्लास्टिक सॉफ्ट होगी तभी तो हम उसको अपने मन मुताबिक शेप देंगे ठीक है ये प्रॉब्लम कुछ प्लास्टिक में देखने को मिलती है ठीक है तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड करा देंगे ठीक है सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है उसके अंदर हम ऐड करा के फिर हम उसको हीट करेंगे और फिर हम उसको वर्क के लिए लेके आएंगे ठीक है अब जो हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कराए हैं ठीक है उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे प्लास्टिक सीजर ठीक है और उसके एग्जाम्पल को क्या होते हैं हमारे पास क्रिसोल एंड डाई एल्काइल थैलेट्स ठीक है दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप चैप्टर के एंड में देखिए पूरे के पूरे चैप्टर की समरी फर्स्ट पॉलीमर है हमारे पास पोलीथीन और पोली इथाइलिन मोनोमर यूनिट स्ट्रक्चर दिस वन ठीक है ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर एंड टाइम और ये रहेंगे इसके यूजेस एंड इंसुलेटर एंटीकोरिजो पैकेजिंग मटेरियल हाउस होल्ड एंड लेबोरेटरी वायर्स उसके बाद सेकंड है हमारे पास पोलिस्टायरिन दिस वन इज़ द मोनोमर यूनिट एंड दिस वन इज द एंड टाइम स्ट्रक्चर इसके यूजेस रहेंगे हमारे पास एन इंसुलेटर ठीक है रैपिंग मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स थर्ड नंबर आया हमारा टेफ्लॉन ठीक है मोनोमर यूनिट एंड दिस वन इज द फाइनल स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज द यूजिज इन लुब्रिकेंट इंसुलेटर एंड मेकिंग कुक वेयर फोर्थ नंबर पर हमने स्टडी किया पोली क्लोराइड पी वी सी दिस वन इज द मोनोमर यूनिट एंड टाइम एंड यूजेज इन मैन्यूफैक्चर ऑफ रेन कोट हैंड बैग विनाइल फ्लोरिंग एंड लैदर क्लॉथ्स ठीक है अब कंटिन्यूटी भी करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नंबर फिफ्थ नंबर है हमारे पास स्टाइरीन दिस वन इज़ द मोनोमर यूनिट वन थ्रीब्यूटेड आइन एंड स्टायरिन और यहाँ पे इसका ये एंड टाइम रिएक्शन के बाद और ये है इसके यूज इन मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स एंड फुटवेयर सिमिलरली सिक्स नंबर बूना एन सेवंथ नंबर न्योप्रीन ऑलरेडी डन दिस वन इज द एंड टाइम एंड दिस वन इज़ द यूज यू कैन सी पी एम एम ए दिस वन इज़ द मोनोमर यूनिट एंड टाइम एंड दिस वन इज़ द यूज़ नेक्स्ट पोली एक्राइलेट नेक्स्ट ओरलोन नेक्स्ट नायलोन सिक्स सिक्स 6 सिक्स यूनिट दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कैप्रोलैक्टम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है दिस वन इज़ द नोट सिक्स टाइप ठीक है ये मेरे नोट से चेक करना यहाँ पे बुक में रोंग दिया हुआ है ठीक है दिस वन इज़ द सेवन मेम्बर ठीक है वन टू थ्री फोर एक एक और बीच में आएगा यहाँ पे अटैच ऐसे सी एच टू देन सिक्स दैन सेवन नेक्स्ट है टेरिलीन दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोमर यूनिट एंड एन टाइम ग्लाइपटल बैकेलाइट यू कैन सी मेलामाइन माइन फॉर ऑलरेडी डन ठीक है एंड यूजेस यूज तुम कहीं से भी रीड कर सकते हो हर एक के यूजेस सिमिलर होंगे थोड़ा सा डिफरेंस होगा ठीक है एंड नेक्स्ट लास्ट यूरिया फोर्मेलडियाड ये हमारे मोनोमर यूनिट नेक्स्ट है पी एच बी ई बायोडिग्रेडेबल ठीक है उसके बाद अब हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन आंसर नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट गिविंग ए स्टेबल एग्जांपल बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर अब एडिशन पॉलीमर क्या होता है जो डायरेक्ट एड हो जाता है जहाँ से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल ना निकले कंडेंसेशन जहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल निकले इसके एग्जाम्पल दे सकते हो पॉलीथीन पी वी सी यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो नायलोन के जितने भी एग्जाम्पल है वो कंडेंसेशन में जाते हैं पोलीस्टर के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे कहाँ पे जाते हैं कंडेंसेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन थर्मोप्लास्टिक राइट द मोनोमर एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेरिलीन राइट वन मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी टू यूजेज ऑफ बोनैस ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में लास्ट ईयर क्वेश्चन राइट द मोनोमर एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यू रबर वी कैन डन इन दिस वीडियो हाउ आर लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पोलीथीन मैन्युफैक्चर अब लो डेंसिटी तो सिंपल वे से होता है और हाई डेंसिटी में क्या यूज़ करते हैं हम जिजलर नाटा कैडलिस्ट इनके दो यूज ठीक है उसके बाद एक लीनर होता है और एक क्या होता है ब्रांच चेन स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर इन द पोलीमर नेम नायलोन सिक्स नायलोन सिक्स को बताता है नंबर ऑफ कार्बन ठीक है इन नायलोन सिक्स सिक्स यहाँ पर कैप्रोलैक्टम यूनिट होगा मोनोमर यूनिट और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा मिथाइल डायमीन एंड एडिपिक एसिड Similarly, define the example of addition polymer, condensation polymer. So, simple question. Differentiate between homopolymer and copolymer. Just first video. In this first video, you can see. Second video, you can see example. Give one example of each. Write the name of monomer and equation for the preparation of Bakelite. This one is the very important question. Uh, the last is uh, chain growth and uh, step growth polymerization. ठीक है दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन डिफरेंस चेन एंड स्टेप यू कैन दिस चेन ग्रोथ पोलिमराइजेशन इट प्रोसीड बाय ये चेन ये चेन में चलेगा ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम चेन ग्रोथ पोलीमर ये स्टेप में चलेगा ठीक है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का मीनिंग हर एक स्टेप में छोटा मॉलिक्यूल निकलेगा वाटर अमोनिया एच ठीक है लेकिन हमने जितने भी एग्जाम्पल रीड करे वहाँ से क्या निकला है हमारा वोटर सेकेंड पॉइंट मोनोवर यूजवली डू नॉट कंटेन एनी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा फंक्शनल ग्रुप का मतलब जैसे हमने पी किया उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है या हमने पोली इथीन किया उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ठीक है बूना एस बूना एन वहाँ पर भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है सॉरी बूना एस इन स्टायरिन ठीक है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होंगे एंड में कार्बोगोजैली ग्रुप लगा होगा या फिर एन ग्रुप तभी तो वोटर निकलेगा ठीक है जितने भी नाइलोन के एग्जाम्पल है वो सारे इस कैटेगरी में जाएंगे उसके बाद इनिशिएटर इज रिक्वायर्ड इन दिस जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे इनिशिएटर की जरूरत पड़ेगी लाइक फ्री रेडिकल ठीक है यहाँ पे कोई भी इनिशिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी मोनोमर कंसन्ट्रेशन डिक्रीज थ्रो द कोर्स ऑफ द यहाँ पे मोनोमर की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या होगा मोनोमर डिसपेयर मच फास्टर इन द अर्ली स्टेज Of step polymerization, molecular species uh, species in the intermediate stage कैन नॉट बी आइसोलेटेड यहाँ पे हम बीच में किसी भी species को isolate नहीं कर सकते ठीक है तो दिस वन इज द डिफ्रेंस बिटवीन द चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पोलिमराइजेशन ये अक्सर कभी भी सी बी एस ई बोर्ड में क्वेश्चन आज तक नहीं बना लास्ट टेन ईयर में ठीक है इसको करो या ना करो डोंट वरी ठीक है ये दिस वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर